सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। और जैसे कि हमारी वीडियो में हम लेकर आते हैं आपके लिए पेड़ पौधे, आयुर्वेदिक पेड़ पौधे, खेती किसानी के साथ साथ बहुत सारे आयुर्वेदिक चीज़ों की जानकारी। तो चलते चलते आज हम इधर आए थे कहीं दूर 7-8 किलोमीटर। तो हमें बहुत सारे लोगों ने कई बार पूछा है कि उन्हें सत्यानाशी का पौधा चाहिए, सत्यानाशी की जड़ चाहिए, सत्यानाशी के पौधे चाहिए। तो क्या होती है सत्यानाशी, तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। यहाँ हमें कुछ सत्यानाशी के पौधे मिल चुके हैं और आजकल देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यह है सत्यानाशी का पौधा। जी हाँ, इसे ही कहा जाता है सत्यानाशी का पौधा, जो कि आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते के दोनों तरफ बहुत ही नुकीले कांटे होते हैं और इसे छूने भर मात्र से आपको ऐसे कांटे चुभ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से इसका प्रयोग करना होता है। इसके फूल देख सकते हैं, यहाँ पीले कलर के इसके फूल आए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो फल है वो यहाँ फल भी हम आपको दिखा रहे हैं, फल लगा हुआ है। तो इसे प्रायः सूखी और रेतीली ज़मीनों में अधिकतर पाया जाता है, वर्षा ऋतु में उगने वाला है पौधा। शायद नमी वाली जगह में 12 महीने भी होता है, पर अधिक वर्षा और ठंडी के मौसम में ये पौधा पाया जाता है और इसे ही सत्यानाशी कहा जाता है। और इसके गुण विशेष कि रक्त संबंधी जितने भी विकार हो या फिर त्वचा संबंधी जो जितने भी विकार हो उनके लिए इसका प्रयोग विशेषकर करा जाता है। और आजकल देखिए हम खेती किसानी करते समय या फिर एक होड़ सी लगी हुई है भूमि को उपजाऊ करने के चक्कर में, तो उस समय इन पौधों को हम या तो हर्बिसाइड से बोलिए या कुछ दूसरी प्राकृतिक तौर से इन्हें नष्ट करते हुए नष्ट कर रहे हैं, जो कि प्रकृति की एक अमूल्य चीज़ या अमूल्य देन हमारे लिए साबित हो सकती है। फिर भी हम इनको नष्ट कर रहे हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें मिल नहीं पाते, लेकिन आज यहाँ हमें ये दिख चुके हैं। तो इसलिए हम आपको शेयर करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ये सत्यानाशी का पौधा है और इसके अधिक जो गुणधर्म है या इसके बारे में जो भी जानकारी हम आपको आने वाले समय में अगले वीडियो में देंगे। लेकिन आज सिर्फ आपको हम पहचान करा रहे हैं कि देख लीजिए कि यह ही सत्यानाशी का पौधा है। इसका फूल देख सकते हैं आप, कितना एक पीला सुंदर फूल होता है। उसके बाद बीज होता है, बीज भी हम जैसे हमने आपको बताया कि यह फल है और इसके अंदर इसके बीज होते हैं। और कितना कटीला ये वृक्ष होता है, यानी पौधा होता है जिसे हम कहेंगे। और प्रायः जैसे कि हमने बताया सूखे जगहों में ही होता है, रेतीली कंटीली ज़मीन में आसानी से उगाता है। राजस्थान वगैरह, राजस्थान गुजरात के इलाकों में तो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और कैंसर जैसी समस्याओं में भी इसका प्रयोग करा जाता है। तो इस पौधे के बारे में हम आज इतना ही जानकारी देंगे। इसकी अधिक दवाओं के प्रयोग के बारे में हम आने वाले समय में आपको वीडियो बनाएंगे, उसमें डाल देंगे। तो देख सकते हैं सिर्फ आज का परिचय, जो सत्यानाशी का पौधा आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाली वीडियोज आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।